हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में एक निबंध पढ़ने वाले हैं। विषय है हमारा वर्षा ऋतु। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। वर्षा ऋतु पर निबंध। फर्स्ट है प्रस्तावना। तपती और चिलचिलाती हुई गर्मी को दूर करने के लिए वर्षा ऋतु का आगमन हमारे देश में जुलाई में होता है, जो सितंबर तक चलता है। वर्षा ऋतु मनुष्य के साथ पेड़ पौधों और जीव जगत को एक नया उत्साह दे जाता है। वर्षा ऋतु में गर्मी के कारण सूखे पड़े नदी, तालाब और महासागर भी खिल उठते हैं और पेड़ पौधों को नया जीवन मिल जाता है। जब तपती जमीन पर जल की बूंदें गिरती हैं और फिर कुछ दिन बाद पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है। किसान वर्ग को वर्षा ऋतु की बेसब्री से इंतजार रहता है। इस ऋतु के आने के पश्चात किसान अपने खेत में नई फसल की पैदावार करते हैं। वर्षा होने के कारण धूल भरी आंधियों से निजात मिल जाता है, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी होता है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु का क्या महत्व है? तो वर्षा ऋतु हमारे जीवन में, वर्षा ऋतु का महत्व उतना ही है जितना अन्य ऋतुओं का है। यह ऋतु जब शुरू होती है तो हमें तेज़ गर्मी से राहत मिलती है और इससे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा मान सकते हैं कि सभी को एक नया जीवन मिल गया हो। गर्मी अधिक पड़ने के कारण सभी तालाब, नदियाँ आदि सूख जाते हैं, जिसके कारण वातावरण गर्मी से भर जाता है और सभी को परेशानी होने लग जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा होने से ठंडी हवा चलने लग जाती है और चारों ओर पानी से भरे तालाब, हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली छा जाती है, जो सबको उत्साह से भर देती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। इसके लिए वर्षा ऋतु अपना अहम योगदान अदा करती है। वर्षा ऋतु में सभी किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। सभी किसान खुशी खुशी अपने खेतों में फसल की पैदावार करते हैं और उसे अच्छे दामों में बेचते हैं, जिसके कारण उनकी आमदनी हो जाती है। वर्षा ऋतु के क्या फ़ायदे हैं? तो वर्षा ऋतु के कई सारे फायदे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। इसके कारण हमें चिलचिलाती और कड़कड़ाती धूप से निजात मिलती है। चारों ओर वातावरण हरा भरा हो जाता है, पेड़ और पौधे खिल उठते हैं, नदी और तालाब पानी से भर जाता है, जिसके कारण वातावरण में ठंडी हवा चलने लगती है। वर्षा ऋतु के नुकसान। तो वर्षा ऋतु के कुछ नुकसान भी है, जो कुछ इस प्रकार हैं। वर्षा आने के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने के कारण अधिक संख्या में मच्छर पैदा हो जाते हैं। रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उपसंहार। तो वर्षा ऋतु के आने का सभी लोग इंतज़ार करते हैं और इसके स्वागत के अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली और आकाश में नीले बादलों में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। सुहाने मौसम में पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिलती है और मोर के पंख फैलाकर झूमने लग जाते हैं। मोर जो है वो पंख फैलाकर झूमने लग जाते हैं। चारों तरफ आनंद और उल्लास छा जाता है। तो इस प्रकार से हमने वर्षा ऋतु पर निबंध देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।